Let's start with 16th question. It says an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit. तो हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का. और आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है और दिस इज 20 ओम रेजिस्टेंस और ये सीरीज में है. तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू कैन ऐड दीज टू, 20 प्लस 4 विल गिव यू 24 ओम. दैट्स इट. सेकंड पार्ट में देखते हैं आपको क्या करना है, करंट निकालना है थ्रू द सर्किट, होल सर्किट. करंट कैसे निकलता है आपका, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर रेजिस्टेंस. और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 24. वोल्टेज कितनी है, 6. 6 ओवर 24 विल गिव यू 1 ओवर 4. और 1 ओवर 4 को कैसे लिख सकते हो, 0.25 एम्पीयर. नाउ द थर्ड वन. थर्ड वन में क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस कितना होगा वो निकालेंगे सबसे पहले. तो हम इट विल बी वी इज इक्वल टू आई आर. आई कितना है आपका यहाँ पे, इट इज 0.25. और रेजिस्टेंस कितना, किसका लोगे यहाँ पे, लैम्प का लोगे सिर्फ और सिर्फ, 4 नहीं लोगे. सो दिस विल बी 20. 20 इंटू 0.25 विल गिव यू 5 वोल्ट. और सेकेंडली आपका कंडक्टर के अक्रॉस निकालना है. कंडक्टर क्या है आपका, ये 4 ओम वाला. तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आई इंटू रेजिस्टेंस. आई कितना है आपका यहाँ पे, 0.25 सेम. और रेजिस्टेंस कितना है हमारा कंडक्टर का, इट इज अबाउट 4 ओम. सो 0.25 इंटू 4 ओम विल गिव यू 1 volt. So yes, this is your answer for the 16th one. Now moving to 17.